रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, इन्होंने क्या किया आपको मदद करने के लिए? कुछ नहीं किया। आपको मजबूत बनाने के लिए इतनी भीषण परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, आज इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त में टिकट दिया घर जाने के लिए तमाम श्रमिकों को, तो हम ही ने कोरोना को फैलाया। आप सोच समझिए, पूरी दुनिया देख रही थी, लाखों श्रमिक बड़े बड़े शहरों से पैदल चल रहे थे अपने घर तक, कोई बच्ची अपने पिताजी को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर बिहार तक गई, एक माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाकर 500 किलोमीटर चली, एक माँ का देहांत बिहार के रेलवे स्टेशन में हुआ, बच्चे सामने खड़े थे, माँ को उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम सब भूल गए? और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उनको मदद करके गलती की, हम पर आरोप लगाते हैं जब वो अपने घर में बैठे रहे, कभी निकले अपने घर से, उस समय मदद की उन्होंने, ट्रेनों की व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था की, किसी एक गरीब की मदद की नहीं की, क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों समझ लीजिए क्यों नहीं की, क्योंकि इनकी सरकार किसी गरीब की सरकार नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, आप सब उसमें शामिल भी हुए होंगे, यहां का एक बच्चा शहीद हुआ, मैं उस समय आई थी, कितने किसान शहीद हुए? सरकार क्या कहती है कि किसी शहीदों की सूची ही नहीं है हमारे पास। आपको आंदोलन में, आप आंदोलन कर रहे थे, आपको बाहर बैठे रहने दिया, सर्दी में आप बैठे, गर्मी में आप बैठे, कुछ भी हुआ, कोरोना आया, फिर भी आप बैठे रहे, आप अपने हक के लिए हक को मांग रहे थे, आप अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, कोई आपके पास नहीं आया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, आवारा पशु चल रहे हैं आपके खेत, कोई मदद नहीं कर रहा है, आपको खाया नहीं मिलता, कोई मदद नहीं करता, गेहूं का दाम नहीं मिल रहा है, चुनाव आया 50 रुपए बढ़ा दिया, चुनाव आया डर गए, कानून वापस ले लिए, लेकिन उससे पहले जब चुनाव नहीं था तब क्या नियत थी?